हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा वी किचन। आज स्नेहा वी किचन में मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी, जिसे हम वेट लॉस के दौरान भी खा सकते हैं। और ये हाई प्रोटीन रेसिपी है, तो इसकी रेसिपी बनाने का तरीका जो है मैं आपको बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए मैं इसे आपको बताती हूँ ये कैसे बनेगी। तो सबसे पहले मैं बना ली हूँ ये ब्रोकली, जिसे मैं बारीक चॉप कर लूँगी। तो इसके जो पीछे वाली जो पार्ट है ना, इसे भी मैं छोटा छोटा पीस में कट कर ली हूँ और इसे मैं एक चॉपर में डाल दूँगी। तो पहले मैं पीछे का जो इसका डंडी होती है ना, उसको डालूँगी, उसे अच्छे से चॉप कर लूँगी। और इसे देखिए, ये मैं चॉप कर ली हूँ। उसके बाद इसी में मैं प्याज भी डाल रही हूँ, ये एक प्याज है, इसको भी मैं डाल करके इसी में मैं चॉप कर ले रही हूँ। तो एकदम बारीक करके रेडी करेंगे इसे। देखिए एकदम बारीक हो गई है। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल कर एक प्लेट में निकाल के रख ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं जो ब्रोकली की जो फूल थी ना, उसको भी मैं इसमें डाल करके इसे भी अच्छे से चॉप करके मैं रख लूँगी। तो ये देखिए, मैं इसे भी चॉप कर ली हूँ। ये देखिए बहुत ही बारीक सी हो गई है ये। अब मैं ली हूँ एक पैन, उसमें डालूँगी मैं एक चम्मच सरसों का तेल और ये लहसुन है जिसे मैं बारीक काट ली हूँ। इसे मैं अच्छे से इसे भूनूंगी। उसमें डालती हूँ मैं हरी मिर्च। अब इन दोनों को अच्छे से कच्चापन इसका निकाल करके मैं इसमें डाल दूँगी जो ब्रोकली के पीछे वाले पार्ट था ना, जिसमें प्याज भी मैं डाली थी, उसको डाल के अच्छे से इसे भून लेंगे। ये थोड़ी सी कड़ी होती है ना, तो इसे सॉफ्ट करने के लिए इसे मैं भून रही हूँ। और उसके बाद इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे, जैसे ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गोलकी पाउडर, ये भुना हुआ जीरा पाउडर, ये चिली फ्लेक्स और ये अमचूर पाउडर। तो इसके बाद मैं इसमें नमक डाल दी हूँ। फिर इनको अच्छे से मैं भून लूँगी एक मिनट के लिए। आप देख सकते हैं इसमें मैं अच्छे से ये भून ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी कुछ और वेजिटेबल्स, जैसे ये डाल रही हूँ मैं गाजर और एक बीटरूट। इसे बीटरूट हाफ है, गाजर एक है, इनको भी मैं अच्छे से काट के और ग्रेट करके डाल दी हूँ। ये अच्छे से भून लूँगी, इसका थोड़ा सा कच्चापन निकाल देंगे बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। मैं इसका उसका बाइंडिंग के लिए मैं डाली हूँ इसमें ओट्स। ओट्स का पाउडर को मैं दो चम्मच ओट्स ली हूँ, उसे मैं मिक्सी ग्राइंडर में ऐसी पीस ली हूँ और उसके बाद इसमें मैं ऐड करती हूँ। तो ये बाइंडिंग बहुत अच्छा करेगा ओट्स का पाउडर, इसलिए मैं इसमें ओट्स डाली हूँ। और उसके बाद मैं इसे ठंडा करूँगी थोड़ा सा, बाहर निकाल मैं गैस का बंद करके और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं इसे उतार ली हूँ, थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पनीर। पनीर को मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। पनीर मैं ली हूँ इसमें 100 ग्राम। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी हमारा ब्रोकली का जो फूल था, उसे मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। आप देखिए ये मैं सारा इसमें डाल दी हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसे पहले अपने हाथों से मिक्स करूँगी। तो आप देखिए ये हाथों से मिक्स करके इसे अच्छे से बाइंडिंग जैसा बनाएंगे, इसे अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा हाथों से अगर करेंगे तो। और उसके बाद फिर मैं इसका बनाऊँगी कटलेट। तो अपने हाथों से के शेप से आप दे सकते हैं, कुछ भी शेप बना सकते हैं आप, गोल बनाइए या लंबा बनाइए, लेकिन मैं इसे इस टाइप का गोल बना रही हूँ और थोड़ा सा इसे चपटा करके बना रही हूँ। तो देखिए ये मेरी सारी रेडी हो गई है। अब इसे करेंगे सेल्फ फ्राई। तो जब सबसे पहले मैं ली हूँ एक पैन में घी, ये एक चम्मच घी है, इसे मैं डाल दे रही हूँ। डालकर मतलब उलटते पलटते हुए स्लो फ्लेम पर मैं इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे करूँगी, सेक लूँगी। तो आप भी इसी तरह सेकिए। और देखिए मैं इसके ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा मतलब घी लगा दे रही हूँ, ताकि दोनों साइड से ये अच्छे से सेक जाए। और गैस का फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। उसके बाद इसे मैं अच्छे से सेक लूँगी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी भी बनती है और ये एकदम हेल्दी रेसिपी है। आप इसे वेट लॉस के दौरान आराम से इसे खा सकते हैं और इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होता है। एक टिक्की में कम से कम 68 कैलोरी होती है। तो आप इसे खाइए, इंजॉय करिए, ये बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए मेरी ये कटलेट एकदम रेडी हो गई है। इसे मैं सर्व करूँगी मिंट और धनिया की चटनी के साथ में। और देखिए ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।